आप देख रहे हैं खबर सीजी न्यूज। खबरों के तेज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जांजगीर के मुख्य मार्ग में स्थित विजय ज्वेलर्स में चोरों ने 8 से 10 लाख की ज्वेलरी में हाथ साफ किया है। चोरों ने सातिर अंदाज में चोरी की है और चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। चोरों ने गोदाम की तरफ से दुकान में प्रवेश किया और दो दरवाजों को तोड़ा, लेकिन वे चैनल गेट को तोड़ने में असफल रहे। चोरों ने 3 सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा है, लेकिन शातिर चोर डंडे के सहारे ज्वेलरी को निकालते कैमरे में कैद हुए हैं। दुकान संचालक के मुताबिक चैनल गेट को तोड़ने में कामयाब होते तो चोरी की और बड़ी घटना हो जाती। चोरी की सूचना के बाद एसडीओपी दिनेश्वरी नंद और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस जांच कर रही है और चोरों की पतासाजी में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी न्यूज। हमारी खबरों को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं। करीब 8 से 10 लाख के दो चोर है और दोनों फुटेज में आ गए हैं। चेहरा उनका ढका हुआ है ताकि पहचान में आ जाए, पुलिस वाले अगर निकाल लें तो निकाल लेंगे। आने के पहले 3 कैमरे थे, तीनों कैमरों को तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद में सबसे पीछे वाले गेट को तोड़ा गया है, उसके बाद वाले गेट को तोड़ा गया है, उसके बाद में चैनल को नुकसान पहुंचाया गया। चैनल टूटा नहीं, इसलिए दुकान के अंदर नहीं घुस पाए। वो दुकान के बाहर से जो चैनल में राड फंसा के जो निकाल सकते थे वो सब सामान निकाल के ले गए। कल ये बीती रात को लगभग 10 से 12 एक बजे के बीच में एक चोरी यहाँ पर हुई है जांजगीर शहर में, जिसमें नेताजी चौक से पहले जो ये विजय ज्वेलर्स है यहाँ पर चोरी हुई है। और सुबह जब इन लोगों ने दुकान खोली तब इनको पता चला कि पीछे से किसी अज्ञात चोर के द्वारा आके दरवाज़ा पहले पीछे से तोड़ा गया है और उसके बाद शटर के अंदर बांस डालकर कुछ ज्वेलरीज को वहां से खींचकर चुराने का प्रयास किया गया है और चोरी की गई है। इस पे अभी FIR दर्ज की जा रही है और अभी पूरी पुलिस की टीम मौके पर तैनात है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ से निरीक्षण करके जा चुकी है और पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ पर आके घटनास्थल का निरीक्षण करके जा चुके हैं। अभी मामले में FIR पंजीबद्ध की जा रही है और विवेचना की जा रही है। कुछ CCTV फुटेज प्राप्त हुए हैं जिसमें दो संदिग्ध दिख रहे हैं, जो फुटेज हमने अभी जब्त किया है और उस फुटेज के आधार पर अब आगे एनालिसिस करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।